पॉजिटिव भारत को स्वागत करछि मिनलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर गुजरात को मिलला नुआ मुख्यमंत्री शपथ नेले वरिष्ठ बीजेपी नेता भूपेन्द्र पटेल समारोह में उपस्थित थे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह किछि दिन भितर कैबिनेट गठन निष्पत्ति सतर में आउ एक लघुचाप आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना आज भी ओडिशा रे प्रबल वर्षा पांच जिला को रेड वार्निंग सात जिला को ऑरेंज अलर्ट प्रबल वर्षा जो बार जिले में स्कूल बंद रेड वार्निंग जिला मानक खोल स्कूल गतकाली सात और आज पांच जिला पर रेड वार्निंग जारी विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास को सूचना वर्षे बेहाल राजधानी ड्रेनेज समस्या को नहीं बर्षिले संसद अपराजिता षडंगी कहले कम करनी कौन डिस्पोजल पॉइंट मास्टर प्लान पर केन्द्र कही शुणलानी राज्य सरकार लगाण वर्षा बेहाल कटक बुड़ा बादामबाड़ी पटापोल सहित तलिया अंचल अलानाथ और आरड़ी मंदिर में पा संबलपुर निधिपुर गड़ारे तीन फुट वर्षा जल रास्ता पर वर्षा पा जलेश्वर विपद संकेत पर जलका कोविड विरोधी लड़ाई में भारत को ऐतिहासिक सफलता भारत में कोविड 19 टीकाकरण 750 मिलियन अर्थात 75 कोटी डोज पूरा द्रुत टीकाकरण क्षेत्र में अन्य बड़ बड़ देश को पचेरे पकाई भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कला भारत यह पदक्षेप को प्रशंसा गुजरात में आसंता वर्ष होगा विधानसभा निर्वाचन पूर्व गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन होइछि सोमवार भूपेन्द्र पटेल राज्यर मुख्यमंत्री पद पर शपथ नहीं रविवार ही तांको नामरे मोहर लगिथिला विजय रूपाणी इस्तफा पर दल भूपेन्द्र पटेल नामरे मोहर मारिथिला एबे केवल भूपेन्द्र पटेल ही शपथ नहीं कैबिनेट रे कौन प्रकार परिवर्तन होइना गांधीनगर स्थित राजभवन में सोमवार एक कार्यक्रम में भूपेन्द्र पटेल को मुख्यमंत्री पदर शपथ पाठ कर गुजरात रे पटेल राज गुजरात रो 17तम मुख्यमंत्री रूपे शपथ ग्रहण कले भूपेन्द्र पटेल साची निष्ठा श्रद्धा श्रद्धा ने निष्ठा दरावीस गांधीनगर रे आयोजित होइतबा ई शपथ ग्रहण उत्सव रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह जोगदवा सह गुजरात रो नूतन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को राज्यपाल आचार्य देवव्रत शपथ ग्रहण कराइछंती भूपेन्द्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह में मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रमोद सावंत मंच उपस्थित थिबा देखा जाय छि ए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल जी को मैंने शुभकामनाएं दी है अवश्य मुझे भरोसा भी है कि उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी और विकास भी गुजरात का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है वो विकास यात्रा भी आगे बढ़ेगी गुजरात रोल मॉडल बनेगा 68 वर्षीय बीजेपी नेता भूपेन्द्र पटेल गुजरात रो नूतन मुख्यमंत्री भाबरे शपथ ग्रहण करबा परे ताकु ट्वीट करी अभिनंदन जणाइचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ट्वीट करी लेखिचंती भूपेन्द्र को नेतृत्व रे राज्यर गरीब कृषक एवं वंचित वर्गर कल्याण पई पूर्ण भक्ति और उत्सर्गीकृत कार्य करी गुजरात रो विकास यात्रा को नूतन उच्चता को नै जिवे सेपरी केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य ट्वीट करी गुजरात रो नूतन मुख्यमंत्री को शुभेच्छा जणाइछंती वी विल सपोर्ट आवर डैडी सो मच बिकॉज़ वी हैव वी नो ही विल सर्व अस वेरी वेल वेरी हैप्पी इट्स फील लाइक दिवाली एट द मोमेंट एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट दिस तबे विजय रूपाणी को इस्तफा परे दल भूपेन्द्र पटेल को नामरे मोहर मारिथिला एबे केवल भूपेन्द्र पटेल ही शपथ नहींचंती कैबिनेट रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होइनाय से गुजरात रो घटे लोदिया विधानसभा सीट रु विधायक अछंती 69 वर्षर भूपेन्द्र पटेल प्रथम थर ही विधायक बनथिले एबे सीधा जाय मुख्यमंत्री पद पाइछंती ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज आसंताकाली उत्तरप्रदेश आलीगढ़ महाराजा महेन्द्र प्रताप यूनिवर्सिटी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चली व्यापक प्रस्तुति प्रधानमंत्री सहित जोगदेवे राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पूर्व आज मुख्यमंत्री शिलान्यास तथा सभास्थल बुली समस्त व्यवस्था को जांच करते विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी तथा सांसद स्वर्गत महाराज महेन्द्र प्रताप आलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जमीदान कर निज बदान्यतार परिचय देते शिक्षा क्षेत्र में
ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମହାରାଜଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସହରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲିଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳ ଡିଆଇଜି। मशहूर क्रांतिकारी और इस राष्ट्र के शिक्षाविद जिन्होंने कि अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की स्थापना की, राजा महेंद्र प्रताप जी के सम्मान में कल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी, उसी क्रम में यह पूरी तैयारी की जा रही है। जो हमारी सिक्योरिटी की ड्रिल है उसके हिसाब से पूरी ड्रिल कर ली गई है, SOP के हिसाब से पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। जो भी CAPF की टीमें थी, BSF, CRPF, उनकी ड्यूटी लगा दी गई, RF की लगा दी गई, और डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कर लिया गया है। पार्किंग और की फैसिलिटी को हम लोगों ने देख लिया है कि पार्किंग किस तरह से करना है, और इन सभी को हम लोग पार्किंग को और साथ ही साथ जो हमारे ट्रैफिक का जो रूट है उन जगह पर भी व्यापक बंदोबस्त किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई आम पब्लिक को नहीं हो। किसी प्रकार का कोई रूट हम लोग रास्ता नहीं रोक रहे हैं, ताकि आम आवाम जो है इस हाईवे पर उनको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। असे परवर्ती खबर को कोविड विरोधी लड़ाई रे भारत को ऐतिहासिक सफलता। भारत रे कोविड 19 टीकाकरण 750 मिलियन अर्थात 75 कोटी डोज पूरा होछि। या सहित द्रुत टीकाकरण क्षेत्र में अन्य बड़ बड़ देश को पछे पकाई भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत यह पदक्षेप को प्रशंसा करछि। भारत में प्रथम 10 कोटी डोज टीकाकरण 85 दिन समय लगी, किंतु 65 कोटी 75 कोटी डोज पूरण मात्र 13 दिन समय लगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में आंचलिक निर्देशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह एने ट्वीट कर भारत को शुभेच्छा जनाई। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय एने ट्वीट माध्यम से सूचना देवा सहित से लिखिंट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबका साथ सबका प्रयास मंत्र सहित विश्वर सबुठ बड़ टीकाकरण अभियान लगातार नुआ कीर्तिमान स्थापन कर देश स्वाधीनतार 75तम वर्ष में भारत में टीकाकरण 75 कोटी पार कर ट्वीट जगे प्रतिक्रिया रखिंट केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री। आज पद्म धरिंट कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन राष्ट्रपति ज्ञानी जल सिंह नाती इंद्रजीत सिंह बीजेपी रो दिल्ली मुख्य कार्यालय एक मिश्रण उत्सव अनुष्ठित होता। केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह हाथ निज सदस्यतार प्रमाणपत्र ग्रहण करते श्रीजुक्त इंद्रजीत सिंह। ए अवसर में किपरी जेजे जेल सिंह को कांग्रेस अणदेखा करा ता वर्णना करते इंद्रजीत। जेजे जेल सिंह बीजेपी में जोगद राजनीति आरंभ करने को परामर्श देने पक। पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी समय इंद्रजीत बीजेपी प्रचार कार्य करते दल में जोगद मात्र आज जोगद निजर स्वप्न पूरण कर। पंजाब कांग्रेस में एवं संकट सृष्टि होता बेले आगक आसुची विधानसभा साधारण निर्वाचन, तेणु इंद्रजीत बीजेपी में जोगदे से दलप लाभदायक सब्यस्त हो पारे मन कर। उनकी मनोकामना आज पूरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ सलूक किया, उनका दिल दुखा, जबकि उनकी जितनी वफादारी थी उसका सिला क्या दिया ये आप सब लोग जानते हैं। और जब मुझे मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि मैं वही इंद्रजीत सिंह बब्बू हूं जो फिल्मों में चला गया था, उस टाइम भी काफी पेपरों में आया था, तो मुझे जब भी मैं अपना कैरियर बना ही रहा था कि उन्होंने मुझे यहां पे बुलाया राजनीति में लाने के लिए। और स्पेशली उन्होंने उस टाइम पे जब वो राष्ट्रपति से हट गए थे तो 4 सर्कल रोड में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से फोन करके उनसे मिलने के लिए कहा, तो जाके मिल गया, उनसे आशीर्वाद लेके आया। जोरदार होगा जाऊँ पश्चिमबंग भवानीपुर विधानसभा आसन उपनिर्वाचन। सेठी मुख्यमंत्री ममता बानर्जी को कड़ा टक्कर देवाई मैदान को ओल्लैंट बीजेपी टाणुआ प्रार्थी प्रियंका ट्रिब्रीवाल। एथपाई आज एक विशाला शोभायात्रा
निजर प्रार्थीपत्र दाखल करते प्रियंका टिब्रेवाल टीएमसी सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री ममता बानर्जी सहित राजनीतिक लड़े को अन्याय अत्याचार विरोध में लड़े बोली से भवानीपुर भोटर मैंने ममता दुर्नीतिग्रस्त शासन विरोध में एकाठी हो समर्थन करने सहित इतिहास सृष्टि करने को से आह्वान देते शोभायात्रा अनेक समर्थक सामिल होगा सहित कलाकार पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन करने देखाई भवानीपुर ममता समर्थन कर कंग्रेस कौन से प्रार्थी ढड़ा करनी तेणु यह उपनिर्वाचन में ममता और प्रियंका अर्थात टीएमसी और बीजेपी मध्य जोरदार लड़ेवाक जाए सेप्टेम्बर 30 भोटिंग हुई अक्टोबर 3 फलाफल घोषणा होवार कार्यसूची रही भारत और आमेरिका मध्य जलवायु अभियान और आर्थिक संग्रह कार्यक्रम शुभारंभ आमेरिका राष्ट्रपति जलवायु संबर्धित स्वतंत्र राष्ट्रदूत जन केरी दुईदिनिया भारत गस्तर आसे आज यह कार्यक्रम शुभारंभ हो अवसर दुई देशर राजनेता मिलित बयान जारी करते जलवायु परिवर्तन आज दिन में विश्वप बड़ चैलेंज और भारत यार मुकाबला करने प्रतिबद्ध बोली केन्द्र परिवेश मंत्री भूपिंदर यादव यह अवसर कहीसत केन्द्रमंत्री कहते जलवायु परिवर्तन मुकाबला दिगरे भारत कम कर अंगारकाम्ल निर्गत रोकवा दिगरे पदक्षेप ग्रहण कर सहित भारत और आमेरिका मध्य सहभागिता जलवायु अभियान को अधिक सुदृढ़ करमंत्री से हीपरी आमेरिकार स्वतंत्र जलवायु राष्ट्रदूत जन केरी विनाशकारी परिमाण रोकवा दिगरे शीघ्र पदक्षेप ग्रहण करने गुरुत्व अवसर भारत द्वारा ग्रहण कर पदक्षेप प्रधानमंत्री मोदी को प्रशंसा करते इंडिया इज कमिटेड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो फॉर मीटिंग इट्स कमिटमेंट मेड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी अंडर द कन्वेंशन एंड इट्स पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट द गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग चैलेंज पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज थ्रू इट्स सेवरल की इनिशिएटिव्स वी आर वर्किंग प्रोएक्टिवली in promoting low carbon and sustainable lifestyle and our action translate into India's multiple policies and program aimed at synchronizing development and climate change action at national state and local levels the India economy is becoming greener through this conscious action and there are effort to enhance energy efficiency across the economy increase the share of renewable energy in the national mix and enhance forest and tree cover while simultaneously meeting India's development challenge in a sustainable manner. India's climate action are rated high in many independent assessments. India has achieved reduction of 24% in emission intensity of its GDP between 2005 and 2016, thereby achieving its pre-2020 voluntary target. India's NDC has been rated as 2 degrees Celsius compatible. India's Honorable Prime Minister has further announced the aspirational target of renewable energy capacity of 450 gigawatt by 2030. India's total forest and tree cover is 24.56% of the total geographical area of the country and it is increasing. We are moving ahead to achieve targeted forest and tree cover of 33% of total geographical area. India's forest and tree cover from 2009 to 2019 is 23,608 square kilometer. In the last two assessments of 2017 and 2019, there is an increase of 5,188 square kilometer in forest and tree cover. विभिन्न कृषिजात उत्पादन उपरे एमएसपी थिला एबो रहिबो एहा प्रमाणित करछि सरकारक द्वारा धार्य एमएसपी दर रे चलित वर्ष किणा जाइतिबा धान ओ गहम सूचना अनुसार 2020-21 रे धार्य एमएसपी दर रे किणा जाइछि 879 लाख मेट्रिक टन धान सेपरि 2021-22 रबी मार्केटिंग सीजन रे पाखापाखि 433.44 लाख मेट्रिक टन किणा जाइछि गहम एहा पूर्व वर्ष गुडी पठारु अधिक जाको सर्वकालीन रेकर्ड बुडी मध्य कहा जाउछि विरोध दल कृषक मानक भ्रम पकेबा जो अपप्रचार चलाई सरकार को यह पदक्षेप ताको भूल प्रमाणित कर स्वागत
ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଥିବା ଲଘୁଚାପର ଅବସ୍ଥିତି ଏବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ 70 ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରଠାରୁ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି। ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60-70 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସବୁ ବନ୍ଦରକୁ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏବଂ କାଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ। डीप डिप्रेशन तो नॉर्थ उड़ीसा में इसका लोकेशन है। इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्ड रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स तक और फिर ग्रेजुअली इसका हमारा वीक भी होगा। इसका प्रभाव में अभी नेक्स्ट 24 आवर्स तक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही हमारा मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी होगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में होगा। ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑलरेडी वार्निंग आप लोग देख चुका है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वार्निंग है, हैवी टू वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, सोनपुर, ढेंकनाल, झारसुगुड़ा, बरगढ़, आज ये सब डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग है बोलांगीर, सुंदरगढ़, बोध, केवंझर, खोर्धा, जगतसिंहपुर, पुरी, केन्द्रापड़ा, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, कटक। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତ ଏବେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 5 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘୁଆ ରହିଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 17-18 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଏ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଆଜି ସକାଳେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିକଟରେ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟତଃ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତାହା କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗିକି ଯେମିତିକି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷତଃ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ସେହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହେଭି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ। ଏହା ସହିତ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟାକି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକାରରେ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ କାଲି ପାଖରୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବହୁତ ପରିମାଣ କମିଯିବ କାରଣ ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି କାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଘ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଟିତୀର୍ଥକଳିସ୍ଥିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଣିର ସୋ ଛୁଟୁଛି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ନାଳ ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏକ ଛୋଟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ନାଳ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି।
प्रबल वर्षा जो आज 12 जिले में स्कूल बंद रेड वार्निंग 12 जिले में आज और काली स्कूल बंद घोषणा कर गणशिक्षा मंत्री सूचना देते गत काली 7 जिला रेड वार्निंग जारी करा बेले आज 5 जिला रेड वार्निंग जारी होसबू जिले में स्कूल छुट्टी रहिबो। पुरी खोर्धा कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा ढेंकानाल नयगढ़ जिलार स्कूल बंद रहिबो। या सहित संबलपुर देवगढ़ अनुगुल सोनपुर और बरगढ़ जिले में आज स्कूल छुट्टी घोषणा कर समय से बुलेटिन को रखा। नमस्कार।